HJ न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बर्फ के पहाड़ों का टूटकर अलग होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाल फिलहाल में कनाडा के समुद्री किनारे पर 150 फीट ऊंचा हिम पर्वत तैरते हुए पहुंचा गया, जो कि टाइटेनिक से भी 50 फीट ऊपर था। कनाडा के पूर्वी किनारों पर बसे एक मछुआरों के गांव में जब टूरिस्ट घूमने के लिए पहुंचते थे तो उन्होंने देखा कि अचानक 150 फीट ऊंचा एक हिम पर्वत समुद्र के पानी पर तैर रहा था। ये बड़े बड़े हिमशैल फेरीलैंड के पास खोजी गई हिमशैल गली में मिलते हैं। आर्कटिक से आने वाले विजिटर्स को इन बर्फ के पहाड़ों की आदत हो जाती है। इस हिमशैल की खास बात ये है कि 1912 में डूबे सबसे बड़े और फेमस जहाज टाइटेनिक से भी 50 फीट बड़ा है। सोशल मीडिया पर इस हिमशैल की तस्वीरें शेयर की गई तो इसको देखने के लिए यहाँ पर टूरिस्टों की भारी भीड़ जुटने लगी। पानी के ऊपर तैरने वाले ये बर्फ का पहाड़ अभी तो फिलहाल स्थिर है, लेकिन ये कब तक एक जगह पर रुका रहेगा इसके बारे में कोई नहीं जानता।